अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स यू यू आई होप विल बी फ़ाइन फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे मुसदस्य हाली का लेक्चर नंबर फ़ाइव एफ़ पी एस सी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए लेक्चर नंबर फ़ोर में मैंने बहुत शार्ट से बंद डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ क्योंकि अचानक मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया और मुझे वो करना पड़ा पेज नंबर ट्वेंटी टू का लास्ट बंद हमने छोड़ दिया था वो आज डिस्कस करते हैं और आगे भी मज़ीद कुछ पेजेस अमीरों को तम्बी की इस तरह पर के हैं तुम में जो अग्निया और तवंगर मुसद हाल ही मुसलमानों के मदोज़र इस्लाम इसका मौजू है और मौलाना अलताफ़ सनहाली की तवील नज़म है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें शुरू में था जमाना जाहलीत को डिस्कस किया गया था कि किस तरह लोग जाहिल थे और रसूल सल सल्हुह वसम ने आकर किस तरह से लोगों की रहनुमाई फरमाई थी लास्ट फोर लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो आगे आपको आसानी होगी अगर नहीं सुने तो उन्हें अच्छे से सुन लीजिए बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है इसमें रसूल अलैहि वसल्लम ने अमीरों को तंबीह की यानी ख़बरदार किया उन्हें वार्निंग दी कि हैं तुम में जो अग्नि गनी है और तवंग जो दौलतमंद हैं अगर अपने तबके में हों सबसे बेहतर बनी नो के हों मददगार हो यावर अगर वो अपने तबके में सबसे बेहतर हों यानी सबसे अमीर हों तो बनी इंसान के वो मददगार और दोस्त बन जाएं। ना करते हों बेम मशवरत काम हरगिज़ यानी कि दूसरों से मशवरा किए बग़ैर हरगिज़ वो कोई काम ना करें आपस में मिलजुल कर मुशावरत से तमाम अमूर सर अंजाम दें उठाते ना हों बेधड़क गाम हरगिज़ यानी बग़ैर सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाते होंगाम कदम बेधड़क बग़ैर सोचे समझे तो मर्दों से आसूदा तर है वो तबका ज़माना मुबारक मिले जिसको ऐसा प जब अहल दौलत हों अशरार दुनिया न हो ऐश में जिनको औरों की परवाह नहीं उस ज़माने में कुछ खैर बरकत अकामत से बेहतर है उस वक्त रहलत तो मर्दों से आसूदा तर है वो तबका आसुदा से मुराद खुशहाल है वो तबका बाकी लोगों से जो दूसरों की मदद करे दूसरों से मशवरा करके तमाम काम सर अंजाम दे और दोस्ती मतलब दोस्त रहे सबके साथ घमंड में ना हो अगर उसके पास पैसा है तो वो दूसरों के साथ उसे बांट के यूज़ करे उसके लिए ज़माना भी मुबारक होता है ऐसे लोगों के लिए इसके अलावा उन्होंने मौलाना अलता हाली कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत की मौलाना अलता हाली बता रहे हैं कि किस तरह जमाना जाहिलियत के लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके संवार लिया था जब अहल दौलत यानी दौलत वाले अमीर लोग अशरार दुनिया बन जाएँ यानी दुनिया के शरीर लोग बन जाएँ अशरार से मुराद शरीर अशरार दुनिया दुनिया के शरीर लोग फसाद फैलाने वाले हों ना हो ऐश में जिनको औरों की परवाह ऐश में यानी अयाशी में इस तरह पड़े हों दौलत की वजह से कि उन्हें दूसरों की कोई फिक्र ना हो नहीं उस ज़माने में कुछ खैर बरकत ऐसे ज़माने में फिर कोई खैर बरकत नहीं होती इकामत से बेहतर है उस वक्त रहलत उस वक्त यानी कि इकामत से बेहतर इकामत का मतलब होता है कि खड़े हो के नमाज़ के लिए खड़ा होना लेकिन यहाँ मुराद है कि ऐसे ज़माने में ठहरने से जीने से बेहतर है कि गुज़र जाया जाए यानी इंसान कूच कर जाए फोत हो जाए दिए फिर दिल उनके मकरूरिया से मकरवो रिया से मकरो फरेब से उनके दिल फे किन के ज़माना जाहलीत के लोगों के रसूल वसल्लम ने दिन की तब्लीग करके उन्हें मकरव रिया मकारी फरेबी से उनके दिल फेर दिए भरा उनके सीने को सिद्को सफ़ा से सच्चाई से उनके सीने को भर दिया बचाया उन्हें किस्ब से उफ्तरा से किसब यानी झूठ से बचाया और उफ्तरा झूठी बातें करने से दूसरों पर तहमत तो बहतान लगाने से बचाया किया सुरखरु खलक से और खुदा से उन्हें ऐसा बना दिया कि वो जमाने में भी दुनिया में भी सुरखरू हुए और खुदा के सामने भी वो लोग सुर्खरू होंगे रहा को हक में ना कुछ बाक उनको बाक कहते हैं खौफ डर अंदेशे को सच्ची बात कहने से उन्हें कोई अंदेशा ना रहा उन्हें कोई खौफ ना रहा बस एक शोभ में कर दिया पाक उनको शोभ कहते हैं एक धुलाई यानी एक नसीहत में एक लम्हे में एक हिदायत से उन्हें क्या कर दिया पाक कर दिया गुनाहों से कहीं हफ़् सेहत के आए सिखाए आई सिखाए. कहीं कहींफ़ान सेहत के आइन यानी तरीक़े सिखाए सफ़र के कहीं शौक़ उनको दिलाए यानी दीन की राह में सफ़र करना या तिजारत की गर से हलाल कमाई की गर से या इल्म हासिल करने की गर से नेज़ तमाम अच्छे सफ़रों के बारे में उनके दिल में शौक़ पैदा किया मफ़ादान मफाद उनको सौदागरी के समझाए यानी कि सौदागरी के, के फ़ायदे हलाल की रोज़ी के फ़ायदे उन्हें सिखाए असूल उनको फरमादही के बताए फर्मा के असूल बताए कि कैसे फरमाबद्दार होना है अगर आपका कोई ताजर या कोई भी लीडर है जिसके मातहत आप काम कर रहे हैं तो उसके फरमाबरदार कैसे होना है और इसके अलावा इसके माना खुदा के फरमाबरदार भी मुराद लिए जाते अगर यहाँ सौदागरी वगैरह की डिटेल ना होती तो हाँ। निशा रहा मंजिल का एक एक दिखाया यानी मंजिल का एक एक रास्ता दिखाया इंसान कैसे कामयाब हो सकता है इस दुनिया में भी और उखरवी दुनिया में भी बनी नू का उनको राहबर बनाया इंसानियत का रहबर बना दिया उन लोगों को जो जमाना जाहिलियत में खोए हुए थे हुई ऐसी आदत पे तालीम गालिब के बातिल के शदा हुए हक के तालिब उनकी आदत पर जो बातिल के झूठ के आशिक थे बुतों की पूजा करते थे वो हक के तालिब हो गए और उनकी इस आदत पर दीन की तालीम गालिब आ गई मुनाकब से बदले गए सब मसालिब मुनाकब से मुराद मनकबत करने वाले यानी कि अलिया की तारीफ़ करना अल्लाह ताला से दुआ दुआवस्तफार करना अल्तजा करके कुछ मांगना इस चीज़ से बदल दिए गए सब मसालब मसाल कहते हैं अयूब को ऐबों को खराबियों को खराबियाँ इस तरह से चेंज हो गई खराबियों को छोड़कर वो अल्लाह की तरफ लो लगाने लगे हुए रूह से बहरावर उनके ालिब बहरावर हुए यानि फैज़याब हुए रूह से बहरावर हुए उनके कालिब यानि उनके दिल और रूह खुशकिस्मत हो गए दीन की तालीम से नेकियों की तरफ रागिब हो गए जिसे राज रद्द कर चुके थे वो पत्थर हुआ जा के आखिर को कायम सरे पर जिसे ज़माने की याशी में वो रद्द कर चुके थे यानि के ग़ुलामों को पत्थरों को सियाहों को जैसे हबशी होते थे वही आखिरकार उनके सरों पर कायम हो गए यानी उन्हीं के इमाम बन गए नेक्स्ट है हमारे पास जब उम्मत को सब मिल चुकी हक की नेमत, अदा कर चुकी फर्ज अपना रिसाल जब उम्मत को हक की नेमत, यानी दीन इस्लाम की तबलीग कर ली रसूल वसल्लम ने तो उनकी रिसालत का फर्ज अदा हो गया रही हक पे बाकी नबंदों की हजत नबी ने किया खल्क से कसद रहलत रहलत हजत दलील यानि वसीला खुदा तक जाने का अहल तशी के मुताबिक हर वो शख्स जो खुदा तक जाने का वसीला हो उसे हजत कहा जाता है रसूल अलैहि वसल्लम ने जब दिन मुकम्मल पहुंचा दिया नबी ने किया खलक़ से नबी अलैहि वसल्लम ने लोगों से रहलत यानी चले जाने का कस्त कर लिया इरादा कर लिया दुनिया को छोड़ने का तो इस्लाम की वारिस एक कौम छोड़ी कि दुनिया में जिसकी मिसालें हैं थोड़ी ऐसी एक कौम छोड़ी कि उस जैसी कोई मिसालें नहीं मिलती दुनिया में बहुत कम मिसालें मिलती हैं ऐसी जमवाज़ कौम की रसूल अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की वारिस एक ऐसी कौम छोड़ी थी यानी कि सहाब कराम सब इस्लाम के हुक्म बंदे सब इस्लामियों के मददगार बंदे वो सब क्या थे इस्लाम के हुकमदार थे और इस्लामियों के यानी मुसलमानों के मददगार थे खुदा और नबी के वफ़ादार बंदे यतीमों के रांडों के गमखार बंदे यतीम जिनके वाले वालद ना, ना हों और रांडे जिनकी बीमिया ना हों और बच्चे उन्हें अकेले पालने पड़ जाते हों या बेवा रहे बातिल से बेजार सारे नशे में मैं हक के सर शार सारे वो सारे बातिल से बेजार हो गए और हक के नशे से सरशार हो गए जिहालत की रस्में मिटा देने वाले कहानत की बुनियाद ढा देने वाले जिहालत की सारी रस्में मिटा देने वाले थे वो सहाबी वो कौम कहानत कहते हैं पेशिनगोई को पेशेंगोियाँ जो करते थे लोग के बुतों के बारे में उन सारी बुनियादों को ख़त्म कर दिया सर में दीन पर झुका देने वाले खुदा के लिए घर लुटा देने वाले यानी दीन के सामने सर झुकाने वाले और ख़ुदा के सामने खुदा की खातिर दीन की खातर अपने जानो माल घर आबा अजदाद सब कुर्बान कर देने वाले हराफत में सीना सिपर करने वाले फ़कत एक अल्लाह से डरने वाले हराफत में सीना तान के न डर हो के ठहरने वाले और हर हाल में अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने वाले अगर अख्तिलाफ़ उनमें बाहिम दिगर था तो बिल्कुल मदार उसका अखलास पर था अगर वो किसी से अख्तलाफ़ करते थे तो वो भी अखलास की बुनियाद पर दीन की बुनियाद पर जिनसे दीन ने अख्तलाफ़ करने से का हुक्म दियाफ़ उन से अख्तलाफ करते थे झगड़ते थे लेकिन न झगड़ों में शर था ख़िलाफ़ आशती से खुशाइंदर था आश्ती कहते हैं अमन वसकून को खुश आइंद कहते हैं खुशगवार को वो झगड़ते थे लेकिन उनके झगड़ों में शर नहीं होता था दीन की खातिर वो झगड़ते थे जंगें करते थे ख़िलाफ़ आशती अमन और सकून के खिलाफ वो हो जाते थे और यानी कि जो जो लोग अमन वसकून के खिलाफ होते थे उनके लिए वो नाखुशगवार माहौल कायम कर देते थे यानी सिर्फ़ उन्हीं के साथ जंगें करते थे ये थी मौज पहली उसद की की हरा जिस से होने को था बा गीती ये उस नबी अलैहि वसल्लम की हिदायत और उनके दीन इस्लाम की पहली एक कौम थी पहली लहर थी और जिन्स की वजह से बाग गीती हरा हो गया था बाग गीती कहते हैं दुनिया जहान को ज़माने को ज़माने का बाग हरा हो गया ना खानों में थी वहाँ तकल्लुफ़ की कुलफ़त कुलफत से मुराद ना खुशगवार मजाज ना खानों में थी वहाँ तकल्लुफ़ की कुलफत वहाँ खानों में ना खुशगवार माहौल क्रिएट नहीं करते थे वो यानी खाने की खाते लड़ना या बेजाय खाने बरकत ना होना जिसमें ना पोशिश से मकसूद थी जेब वीनत यहाँ मुराद है कि उनके खानों में तकल्लुफ़ नहीं था खुशगवार तकल्लुफ बेतुका सा तकल्लुफ़ नहीं होता था याशी वाला ना पोशिश पोशिश कहते हैं पहनावे को ना पहनावे में जेबो जीनत थी उनके अमीर और लश्कर की थी एक सूरत लश्कर और उनका जो सरदार था लीडर था सबका एक जैसा खाना सबका एक जैसा लिबास होता था मसावी सलूक होता था सबके साथ फकीर और गनी सब की थी एक हालत फ़कीर था चाहे गनी था सब का एक ही हाल था अमीर गरीब का कोई डिफरेंस ना था उस ज़माने में लगाया था माली ने एक बाग ऐसा न था जिसमें छोटा बड़ा कोई पौधा माली ने यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जहां बसा दिया था कि वहां छोटा बड़ा रुतबे का कोई फ़र्क नहीं था कि फ़लाँ अमीर है फ़लाँ गरीब है जैसे आजकल होता है किसी के पास लग्ज़री गाड़ियां हैं तो कोई बेचारे नंगे पांव चल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था अमीर गरीब सब सादा ज़िंदगी गुज़ार कर गुज़ारते थे अयाशी और जेब वज़ीनत से सब दूर थे खलीफ़ा थे उम्मत के ऐसे निगह बँ हो गल्ले का जैसे निगह बँ चौपाँ खलीफ़ा जो थे वो उम्मत के ऐसे मुहाफ़ थे हिफाजत करने वाले थे ख़याल रखने वाले थे जैसे गले का यानि जानवरों के रेवड़ का उनका चौपायों का चौपाए कहते हैं चार पाइयों वाले चार पाँव वाले जानवरों को जैसे भेड़ बकरियां मवेशी वगैरह का जो नेगाहबान होता है ख्याल रखने वाला होता है खलीफा भी अपने लोगों का सेम उसी तरह ख्याल रखता था समझते थे जमी और मुस्लिम को यकसा जमी कहते हैं उस जिम्मी जिम्मी कहते हैं वो हिंदू जो किसी मुस्लिम मुल्क में रहता हो और मुसलमानों के कवानी के मुताबिक वो टैक्स अदा इस्लामी कवानी के मुताबिक टैक्स भी अदा करता हो ऐसे हिंदू को कहते हैं ज़मी ज़मी और मुस्लिम सब को वो यकसा समझते थे यानी सब का ख़्याल रखते थे न था अब्दोह में तफ़ावत नुमाया अब कहते हैं बंदे को लेकिन यहाँ मुराद है ग़ुलाम हुरमीन आज़ाद आज़ाद और ग़ुलाम में तफावत यानी कोई इख्तलाफ नहीं था कनीज और बानो थी आपस में ऐसी जमाने में मान जाई बहने हों जैसी